सत श्री अकाल जी, भाभी जी, भाई जी, कैसे हो जी आप लोग? बहुत अच्छा, सब अच्छा है। चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगा और मजा, सब आनंद है ना? सब आनंद है। चलिए आप भाभी जी? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। बच्चे भी देख के बड़ी खुशी हुई हूँ कि बच्चे भी खूब खुश है, अच्छे हैं सब। और क्या चल रहा है आपका काम धंधा? सब बढ़िया? सब बढ़िया। कहना तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन एक बात से मुझे बहुत दुख हुई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुनी हूँ, हमारी जो विक्की भैया है उन्होंने बताए हैं, रंजीत भैया ने बताए हैं, आप अपनी मतलब अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज रहे हो। कितनी गलत बात है। आपकी सास ससुर, आपके माता पिता बचपन से इतनी मेहनत की, आप लोग को चलना सिखाया, हाँ स्कूल छोड़ के आते थे, सारी खुशियों को त्याग करके पढ़ाया लिखाया, इतनी बड़ी महल बनाया, और आज जब आपको सेवा करने की मौका मिल रहा है और आप भी सर्विस करते हो, आप भी बिजनेस में बिजी हो, आप लोग के पास टाइम नहीं है बोलकर उनको वृद्धाश्रम छोड़े, मुझे बहुत दुख हुआ कि जिन माता पिता ने आप लोग के लिए इतना कुछ कुर्बानियाँ दी, इतना कुछ किया, आज वही बेटा बड़े होने के बाद, इतनी खूबसूरत सी भाभी आने के बाद पर वृद्धाश्रम में भेज रहे हो, मुझे भाई अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैं चली आई, मैं सोची कि अपने हैं, परिवार की तरह है, तो एक बार बात कहती तो देखूं, आपकी बेटा है, बेटियां हैं, कल आप भी तो बूढ़े होंगे, आपके बच्चे की भी शादी होगी, वो भी बहू लेकर आएंगे, उनकी बहू अगर आप लोग को वृद्धाश्रम भेज दे तो कितना दुख होगा भाई। ये तो बात है ना, दुख लगेगा ना? लगेगा। तो आज वही काम आप करने जा रहे हो कि भाई अपने सास ससुर को आप वृद्धाश्रम भेजोगे, कल आपके बेटा भी आपको भेजेगा, क्योंकि ये काम परंपराएं चलती जाएगी, क्योंकि आप जो करोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। आप अपने माता पिता को भेजोगे, आप अपने माता पिता को भेजोगे सास ससुर, कल आपके बेटा आप लोग को वृद्धाश्रम भेजेगा। क्यों? वो भी कहेगा कि मम्मी आपने दादाजी या दादी को वृद्धाश्रम भेजा, तो उनके बच्चे भी ये बोलेंगे, ये परंपरा होती जाएगी। तो मैं प्लीज, वाई गुरु की इतना मेहरबानी है आप पर, इतने सारे दिए हैं और इतनी खूबसूरत भाभी हैं, भाई आप कितने अच्छे हो, इतने सोशल हो, समाज के सारे काम करते हो और अपने घर के माता जी पिताजी को वृद्धाश्रम कर डाल रहे हो, कैसा सोशल वर्क है बताओ? समाज में इतना नाम है, सब कुछ है, घर की अपनी माता पिता का इज्जत नहीं, क्या फायदा? वाहेगुरु की मेहरबानी, कितना दिया आपने। मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ, दिल से दरखास्त करती हूँ कि आप लोग अपने मम्मी पापा को सेवा करोगे तो आपकी बच्चा भी आपका सेवा करेगा एकदम। मेरी बातों से भाई कैसा लगा? बुरा तो नहीं मानोगे? क्या लगता है मैं जो बोल रही हूँ भाई सही बोल रही हूँ कि नहीं? नहीं, आपने सही बोला, आपने हमारी आंखें खोल दी। हाँ, हम गलती करने जा रहे थे लेकिन आपने रोक दिया, गलती करने हमें रोक दिया। अभी हम माता पिता को अपने साथ ही रखेंगे और सेवा करेंगे। बहुत बहुत सुंदर है, आप अपने माता पिता को जितनी सेवा करोगे उतना ही वाहेगुरु बरकत देगी, ये आप देख लेना। क्योंकि जो बच्चे, जो औलाद माता पिता को सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, उतना ही उनका बरकत होती रहती है और उनके बच्चे भी उनका सेवा करता है, ये विधान है। रियली मुझे आकर इतना अच्छा लगा, मेरी प्यारी सी भाभी मेरी बात को समझ गए, मेरी प्यारे से भाई मेरा बात को समझ गए और बच्चे कितनी खुश है और खुश रहे। तो इसीलिए मैं धन्यवाद करती हूँ वाहेगुरु की कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, आप लोग मेरी बातें माने, बहुत इसके लिए मैं
कोटि कोटि प्रणाम भी करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, राधे रानी का भी धन्यवाद करती हूँ, वाहेगुरु का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को मान रहे हैं। शुक्रिया आप लोग, ये पक्का है ना, आज से आप लोग एक मैसेज छोड़िए कि हर बच्चे अपने माता पिता को सेवा करे। हर बच्चे को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना माता पिता को सेवा करे और उससे बरकत मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी। आप भी बताइए। मैं राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी आँखें खोली और उन्हीं के बताए हुए रास्तों में हम चलेंगे और अपनी माता पिता की सेवा करेंगे और बाकी सारे समाज को भी कहेंगे कि अपने बुजुर्ग माता पिता का साथ दें, उनको उनकी सेवा करें। ये मेरी समाज से गुजारिश है, निवेदन है। धन्यवाद, शुक्रिया।